रूम बना रही है। हाँ, ये करो क्या? ये अगले जन्म मेरे पति बुक कर लिया मैंने अपने लिए। आगे तेरी दीदी और ये मेरी भांजी आ गई और बुआ सब इसे गाय को भगाने लग गई। तुम एक को छोड़ आया यार, ये ना मेरे एक शौकीन भांजे को छोड़ आया। वो कल वो पार्टी करेंगे ना, इसलिए नहीं आया। काय की पार्टी है, उसके घर में है? नहीं कुछ नहीं है, राजी कर देंगे। इंसान है पैर जो नहीं, बहुत दूर भाग गए, कह रहे गले मिलते हैं, हम नहीं छुपाते पैर। कहाँ भाग गए हो जी? ये काम ही करते रहते हैं, आज के दिन आया रक्षाबंधन है फिर भी काम पे। अब तुम जाओगे द्वारा कि नहीं जाओगे कि पैर वापस नहीं आरोप? अच्छा दीदी आई थी और मैंने बनाया था, पता है वैसे मैंने आज जीवन में पहली बार उनके लिए खीर बनाई थी जो कि सही परफेक्ट बन चुकी थी, और थोड़ा सा चावल बनाया था और मैंने कहा था पूरी बना दूँ तो उन्होंने मना कर दिया था, तो इन्होंने चावल ही खाए। और अभी तो राखी देखते हैं कब बनाएंगे, थोड़ा सा सोच रहे कि उन्होंने आराम भी कर लिया थोड़ी देर आगे और कपड़े कपड़े चेंज कर लिए थोड़े से, अब देखते हैं कि क्या करते हैं। दीदी वैसे कह रही है कि वो कल चली जाएंगी, तो चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। हाँ चलो ये पढ़ लूँगी, चलो मग्गू घूमी चले। ए आज घूमने चला, तेरे कपड़े दिखा साफ सुथरे हैं कि नहीं है? साफ है, यही पहना के चले। चलो ये रेडी थे, करो ना कपड़े गीले ना करो बेटे, और तुम चेंज करोगे पहन के चलो। लाइट गई क्या दीदी? क्यों तुमने बंद कर दिया पंखा? काकू जल्दी हो गई जाने की, चले घूमने गंगा जी। चल आशीष चुपी सैंडल डाल ले, जा जल्दी जा। रूम बना रही है। हाँ, और पर करूं क्या? ये अगले जन्म मेरे पति बुक कर लिया मैंने अपने लिए। रोजी जूते बजेंगे बेटे। क्यों रे मोजी मारे मेरे को, ये तो गलत हो गया यार। जल्दी चलो, आशीष वेट कर रहा है तुम्हारा, कह रहा आ जाओ ना बुआ। चलो चलो हो गया रेडी, चलो ताला लगाऊं मेरे पास गोदी। चलो 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 बुआ के साथ चलो, करू ना तो गोदी लिख भाई हमको और थका देंगे। हाँ चलो 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 चलो, ले गया उसका भाई, दोनों भाई कह रहे हैं मेरे पास आ जा मेरे पास आ जा, अरे मेरे पास ही आएगी। आजा चल बुआ के पास जा, जा बुआ के पास जा, लो जबरदस्ती। हाँ मेरे को थकाएगी, मेरी लड़की लग रहा मुझे। चलो मैं नहीं ले जा रही, चलो 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 आशी चलो चलो। तो चलते चलते मैं थक गई हूँ और करुणा यार रास्ते में मेरे पापा को आवाज मार रही है, इधर उधर लोगों को देखती है फिर कहती है पापा, इसको कोई ना कोई दिख रहा है, उसको कह रही पापा आवाज मार कसके, और कसके आवाज मार, बस इतनी आवाज तेरे मुंह में आवाज गायब इसकी साइड से। आशीष का ही तो है बड़ा सा घर। हाँ आशीष ऊपर देख रहा है, कह रहा कितना बड़ा घर है। आशीष का ही तो है ये, भूल गया आशीष तो यहीं तो रहता ना। मामा क्या हुआ? पापा की परी उड़ रही है, उड़ के दिखा करूँ ना। पापा की परी उड़ गई, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चलते हैं बच्चे, ये देखो क्या देख रहा है, और गिरेगा ना पता चल जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं। और थकावट हो गई है, मैं आपको बदल जगह दिखाती हूँ जब बहुत सारा पानी भरा हुआ था। और हाँ पक्के मकान कोई भी गवर्नमेंट की जमीन में नहीं बनाता है, तो किसी ने मेरे को कमेंट में लिखा था ना कि गवर्नमेंट की जमीन में बना रखे हैं, ये तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की जमीन में नहीं है। इतना बड़ा मकान गवर्नमेंट खड़ा करने देती कि अपनी जमीन में नहीं दे सकती। सबके फोटो खींचे मेरे, मैं ही रह गई थी, पर क्या करूँ मैं अपने ब्लॉग खुद देख लूँगी बाद में। तो दीदी लेगी क्या नहीं, क्योंकि उन्हें पानी लेके जाना है, ये तो हरिद्वार है। कितना पानी लेके जाना है, कितना लेके जा सकते हो? हाँ तो ले लो फिर छोटी बोतल, देखो जिसमें जितना पानी आ सके ले लो। आशीष देखो क्या, कितनी रुपीस है? 20 मम्मी। हाँ 20 रुपीस का। हाँ ले लो यही ले लो फिर।
देखो बच्चे कैसे पूछ रहे हैं कितने रुपीस का है, 10 रुपीस का है जिस, और देखना बाबू कितनी छोटी है कि वो एक दुकान चलाती है, है? नहीं अच्छा ये ले लो वो ले लो, है लेके जाना है जिसको वो लेगा या तुम लोगे? हाँ तो तेरे पे ढुबाएंगे अभी, रुक जा पानी भरने दे। पांच वाला भी क्या नहीं मिलता, ले रहे हो पांच वाला क्या नहीं? अजो चलो तुम क्या नहीं उठा लो, आज कहा गुम ना हो जाइयो। ए ना करो शरारत ना करो, पिटाई लगाएंगे तुम्हें, लेके नहीं आएंगे अगली बार। तो यहाँ तक पानी था उस दिन ऊपर तक। अरे नहीं वो हमारे पीछे से आए हैं बेबी, वो अपनी मम्मी मम्मी को लेके आए सास से गंगा जी घुमाने के लिए। चप्पल उतरेगी मेरे, मम्मी बोल दिया क्या पता कुछ नहीं। तो यहाँ पर उस दिन सब में पानी पानी था, और जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा था तो आज तो गंगा बहुत पीछे चली गई है तो पानी कम हो गया, और ये सब डूब गया था सब मेरे तरह था। इसे बार बार बनाते हैं बार बार टूट जाता है। बाबू तो बैठने की जगह तो नहीं है, पत्थरों पे बैठेंगे, बैठने की जगह क्यों नहीं है? पन्नी लेके आना चाहिए था, मैंने झोला लेके आना चाहिए था, मैं पत्थर बीन के लेके जाती, तुम तो बार बार थोड़ी ना आओगे मेरे साथ। चल छत में रखूंगी, कल आ जाएंगे दोबारा, कल आ जाएंगे, कल अपने स्कूल जाएंगे पुराने वाले। बताओ ये पूरा पूरा डूबा हुआ था और सब मेरे तरह था, अब लोगों ने बहुत मेहनत करा होगा यहाँ से निकाला है सब, ये बैठने बूठने का सब रेता यहाँ तक है कितना ऊपर और वहाँ तक सब रेता निकाला है। अब तो चलो अब तो क्या ही, क्या हो गया? कोई नहीं कबड्डी खेल लेते तुम यहाँ पे, चलो झरना चल रहा। हाँ उधर से पानी आ रहा है, अरे यार पर पता नहीं पीने का पानी कैसा पानी है, पर मुझे तो प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, तेज आवाज भी नहीं आ रही अब तो मेरे मुंह से। डॉगी को भगा रही थी, मैं बहुत अच्छी फ्लिप मार लेती थी ऐसे करके, अब थोड़ा सा थोड़ा डर लगता है कि गंगा यार ऑपरेशन हो रहा है, आप थोड़ा सा कंट्रोल करो, और गंगा कितनी प्यारी नजर आ रही है इधर से, बस दिल कर रहा है कि नहा ले बस कूद कूद के इस पानी में, ऐसा मन हो रहा मेरा। तो जो मैंने व्लॉग बनाया था लास्ट में एंडिंग होगी मेरे व्लॉग की, जिसमें बहुत ज्यादा पानी आया था, तो वो इस वाले घर का पानी था, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे खड़े होकर व्लॉग बनाया था, और इतना पूरा भरा पड़ा था ये सारा का सारा, ये देखो कितने सारे लोहे के सारे यहाँ पे पड़े हैं, वो तो शुक्र है अटक गए होंगे, इन्होंने ढूंढा होगा इधर से रेत खोदी होगी तब निकले हुए, बाकी तो सब गायब, और पानी तो सब बह कर ले जा लेता है, पानी ले गया भाग कर सब यहाँ से। तो लोग देखो कहाँ कहाँ नहा रहे थे, नहाने के लिए पानी बहुत अच्छा हो गया है, हर साल गंगा अपना रूप बदलती है और हमारे नहाने के लिए अच्छी अच्छी लोकेशन हो जाती है। अरे मेरा परिवार वहाँ है, मैं वैसे इन्हीं को ढूंढ रही थी, मेरे कैमरे के सामने और मैं इनको ढूंढ रही हूँ, कितने मजे कर रहे दोनों के दोनों। ए चलो खेलेंगे अब, ए छोड़ दे इसको यहीं। आगे तेरी दीदी, पागलपंती शुरू होगी इसकी, गंगा जी आपके काय के लिए पागलपंती करने के लिए बना दिया, हाँ बना दिया हार्ट बना दिया, देख तेरे सुंदर हार्ट बनाऊंगी। ये पैसे पर्स में डाल दे और फोन डाल, मैं तो गोता मारूंगी मैं भी। तो ये मैंने अपना नाम लिखा हुआ है यहाँ पर गंगा जी में, बस सबसे मजा तो यही है, यही करने के लिए आते हैं हम लिखने के लिए, और करुणा और उसकी बुआ
चलो पानी भर लो तुम। और यहाँ ना दलदल है, यहाँ नहाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ना बहुत दलदल सी है, अगर कोई जाएगा ना थोड़ा सा आगे घुस जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर लोग सब फोटो शूट करा रहे हैं, ऐसा लगता है हम आ गए हैं गोवा वाली बीच पे, रानी आंखें बीच के पूरे में पानी पानी। अगर आप ढंग से देखोगे ना ऐसा लगेगा कि हम बहुत वैसी अच्छी बहुत जगह पे आ रखे हैं। वैसे भी अच्छी जगह है, वैसे हमारा हरिद्वार कम किसी गोवा से नहीं है। गाइस अगर आपको मिनी गोवा घूमना हो हरिद्वार में तो मेरा पता ले लेना, मैं आपको यहाँ घुमाने आऊंगी। लग नहीं रहा बिल्कुल गोवा, देखो लोग कितने आराम से इंजॉय कर रहे हैं। गोवा वाली बीच पे रानी आंखें मीच के, सभी अपने अपने कुछ ना कुछ बना रहा है कोई ना कोई। मेरे बच्चे भी टन बनने लग के खेल रहे हैं दवना दन। ये क्या बनाया, ये क्या लौकी बनाई है, बलून बलून बनाया इसने, केला है ये, किस एंगल से केला लग रहा है। तो आशीष बना रहा है ग्रेप्स, बनाओ 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 ग्रास बनाएगा, दिखेंगे मेरी ये मट्टी है। ओ, कपड़े कहाँ जा रहे हैं मेरे बाबू के, डर लग गया इसको तो। आ मामा, आ मामा, आ मामा। सब मजे कर रहे हैं, ये भी मजे कर रहे हैं, थम 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 थम। और वहाँ बच्चे वहाँ अपना खेल रहे हैं। आशीष कपड़े कपड़े गंदे मत कर, कोई नहीं करने घर जाकर, तो वैसे चेंज कर रहे हैं। ये बहुत वैसी लड़की है, इसको ना ऐसा लग रहा है कि सब गंदा गंदा है, इसको एंजॉयमेंट का भी पता नहीं है, इसको गंदा लगता है चीजें। और यहाँ देखो बस मेरा नोनू और मैं भी अपनी जिंदगी के ना ऐसे ही बिताए साल, आंटी अंकल पूजा कर रहे हैं जैसे। देखो कितने अच्छे कपल है और कितने एंडिंग समय तक साथ में, अंकल कितने बुजुर्ग है, हमारा तो झगड़ा ही खत्म नहीं होता यार। मेरा कैन में पानी भर रहा है तो ये पूछ रहे हैं मेरे से कि अंदर जाऊं कि नहीं, थोड़ा दलदल है। अगर मैंने बोला तैरना आता है तो चले जाना, नहीं आता तो फिर मत जाओ, खामा खा मुझे अपने बच्चे छोड़ के तुम्हारे पीछे कूदना पड़ेगा। बस भर लो यहीं से। ओ हाँ कैसे नहा रहे, कितने मजे से इनको देखने में, तो मन कर रहा है नहा लूं। क्या हाथ चला जा पानी में, चला जा ये किसी का दिया है और हम जा रहे हैं अब छोड़ने के लिए। जाओ जाओ किसी की मुरादे पूरी करते हुए जाओ, कूदो कूदो, गोता लगाओ जल्दी से। और क्या कपड़े पहन लेना घर में जाके, दूसरे फोन पड़ा है जेब में। यहाँ तक पानी आ रहा है, देख कितना मजा कर रहे हैं। कपड़े नहीं लेके आ रहे, एक ही जोड़ी कपड़े लेके आ रहे हैं, कोई नहीं रात रात का सूख जाएगा। वैसे भी तुम्हें 3-4 बजे जाना है कल को। हाय कितना मजा आ रहा है ना यार, मेरा भी इतना दिल कर रहा है नहाने के लिए, क्या बताऊं। मेरा फोन फान कोई पकड़ लेना, मैं ही नहा लूं। हे करुणा, ऐसे पानी मेरे नहाने की बहुत इच्छा होती है, बहुत ज्यादा। नौनों की छुट्टी हो ना तो नहलाने के लिए लेके आ जाए तो मजा आ जाए। खो गए की लेकर लिए इन्होंने मस्ती ही। ये लो नहा लिए। आशीष किसके टकले में पत्थर ना मार दियो, पानी से मस्ती नहीं। नाले आज नाले, दीदी हमने गलती कर दी, कपड़े लेके आने चाहिए थे, कपड़े लेके आने चाहिए थे। फोन जेब में रख के और कूद रहे पानी में, लाओ जेब में रख लो मुझे। और मेरी करुणा को देखो कहाँ बैठी है। ए नहीं मेरे पे पानी ना फेंको। ये हो गई मस्ती स्टार्ट।
बहुत मजे किए कसम से इन लोगों ने, मैं ही रह जाती हूँ हमेशा। मेरा बाबू क्या कर रहा है? ये आशीष भी आया। हाँ जी, क्या हिला रहे क्या इसको भी? आज ही बुआ के आने की खुशी में वैसे नहाए थे और अब फिर नहा रहे बुआ के साथ। बुआ को बुलाते किस लिए? बस एक दिन वो आती है, पूरा एंजॉयमेंट ऐसा कर लेते हैं भगवान कसम, जिसकी पता नहीं मतलब दिल खुश हो जाता है। दो दिन के लिए भी आते हैं तो ओ भैया नहला दिया, ओ ठंडा ठंडा पानी लगा दिया। नहाने का स्टाइल देखो दोनों को, दोनों का ऐसा करते हैं जैसे लड़ाई कर रहे होंगे और रेत में हारे। ये ले अपनी बुआ को प्यार स्वीकार। बेटे वो बुआ है, बुआ ये मम्मी यार सब मजे कर रहे हैं। मर आ गया, हाँ मेरे को पंडाल दिया, मेरे पास फोन है मेरा। ऐसा नहीं ला रहे तुम्हें, आ गई मेरी करुणा नहा दो। मैं नहीं नहाई गंगा, 6 साल हो गए मेरे को गंगा में डुबकी लगाए हुए। जिस दिन नहाऊंगी ना पूरा 2-3 घंटे के लिए नहाऊंगी। अब बुआ, अब आशीष का नंबर लगा दिया बुआ ने, अब इसकी भी नहलाई चालू। फिर उसकी वो काकू तो गंदे पानी में खेल रहा है। ओए मनाले में क्या कर रहा? और गीले ही जाओगे बेटे, अब गीला ही जाना पड़ेगा, लगेगा तुम्हें जुखाम, पता चलेगा तुमको, नहा लो ठंडे ठंडे पानी में। अब काकू का नंबर, कहाँ कहाँ कीचड़ में लोट पोट क्या है। अरे मैं चप्पल ढूंढ रही, मेरे को तो याद आया चप्पल तो हमारी माँ है। ओए मारूंगी फिर, हाथ गंदे कर दी बुआ मारेगी, जल्दी हाथ धो ले, हाथ गंदे न कर। गीला हो गए? हाँ अब ऐसे जाना है घर, कपड़े लाना चाहिए था, मैंने कहा कपड़े लाना भूल गया मैं, क्या पता नहा लेंगे हम, हमको लगा ज़्यादा पानी होगा तो इसलिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो पानी ठीक ठाक ही लगा मुझे। बस कूदो तुम्हारी बारी है, अब कूद जाओ। वाह गॉड ब्लेस करें। बुआ ना मारेगी आशीष सब, ठीक है पिटाई लगाओ इनको, इनको हाथ फिर लोवर से पोछा, देखो इसने आशीष ने जा लोवर से पोछा, फेंक दूंगा मैं उठा के से। और ये भी यहाँ पे लंगूर की तरह कूद रहा है, इसका भी मन नहीं भरा। मम्मी हरिद्वार जाना है इसको, मम्मी इसके घर छोड़ के आ रही थी, नहीं मैं हरिद्वार जाना है। व्यान शर्मा लिखा है इसने, वहां क्या बना रहा, हाथ तो धो ले आशीष, तू ना हाथ बिगाड़ा ना मारूंगी। अब गंगा गंगा आएंगे ना पापा के साथ आएंगे, फिर नहा के चलेंगे। हाँ मेरा नाम निशा शर्मा है। अब वो देखो मेरा नाम लिख रहा, मेरा भांजा, देखते लू कि आती नहीं आती स्प्लिंग इसको, मिटा दिया, छुपा भी दिया।
क्या बात है, क्या बात है, लिख दिया भाई, निशा लिख दिया। ये मेरा असली वन जा रे, इसको तो मेरा नाम भी पता है, लिखना भी आता है। खा गया ऐसे, चेक खा गया, हार खा गया। शर्मा तो इसकी भी कास्ट है, शर्मा लिख रखा इसने, शर्मा। अच्छा शर्मा लिख दिया, कोई नहीं, आसम समय ठीक। ओ आशीष, हमारे किए कराए पे पानी लगता है, आशीष भेज रहा फेर रहा आज तक। ओके फ्रेंड, तो आज का व्लॉग हम ये पे एंड करते हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं घर, और आज हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत मज़ा आ गया, इसलिए हम बुआ को बुलाते रहते हैं। बुआ कह रही थी मैं छू के बस घर से वापस चले जाऊंगी, बस अब बुआ ने राखी बांधना था, छूना था और घर से वो वापस चले जाएंगी, लेकिन कल, आज नहीं। आ जाओ,